तो पिछले बार जब अपन ने ट्रेनिंग की थी तब मैंने आपको बताया था कि जो पानी की मोटर रहती है उसके बारे में याद है सबको। हाँ, तो मैं वापिस आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि ना अपन मोटर बेच रहे ना पाइप वगैरह ज़्यादा बेच रहे, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको कहीं नहीं सीखने को मिलेगी, क्योंकि ये बहुत डिटेल में स्टडी है, ये अनुभव से मिला हुआ नॉलेज है। तो ये आपको क्यों सिखा रहा हूँ मैं कि जब कस्टमर आपको कॉल करते हैं ना तो कस्टमर को भी इसके बारे में कम जानकारी रहती है या उनके मन में दुविधा रहती है, तो वो कुछ सवाल आपको पूछेंगे तो आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा कि आपको ही मालूम नहीं, आप कुछ गलत बता रहे, कस्टमर कुछ गलत समझ रहा है और फिर अपना कस्टमर का नुकसान हो रहा है। तो पहले ही बता रहा हूँ कि पहले ही कस्टमर को चीज़ क्लियर करवा देना कि भाई ये हम नॉलेज आप सब देंगे हम आपको, लेकिन डिसीजन आपने लेना है। तो पिछले बार अपन ने मोटर के बारे में बात की थी, आज अपन बात करेंगे पाइपलाइन के बारे में कि जो मेन पाइपलाइन है, अभी तो ठिबक का स्प्रिंकलर का कोई एक संबंध नहीं है, लेकिन जो मेन पाइपलाइन है वो किसान ने कैसे सोचना चाहिए, कौन सा पाइप का चुनाव करना चाहिए, कितने इंची का चुनाव करना चाहिए, अच्छा पाइप बुरा पाइप कैसे समझना चाहिए, कौन से ब्रांड का लेना चाहिए, उसके ऊपर नॉन रिटर्न वाल एयर वाल कैसे लगवाने चाहिए, कहाँ लगवाने चाहिए, ये सारी चीज़ों का अपन अभी ये ट्रेनिंग या अगले ट्रेनिंग सेक्शन में नॉलेज लेंगे। तो कभी भी एक चीज़ का ख्याल रखो कि जो लोहे का पाइप है ना वो किसान भाई यूज़ कर सकता है, लेकिन वो बहुत महंगा जाता है, आया समझ में? और महंगा तो है लेकिन वो सड़ जाता है, गल भी जाता है। तो इसके लिए किसान भाई लोहे का पाइप का इस्तेमाल खेती के लिए बहुत कम करता है, बड़ी पाइपलाइन के लिए। हाँ भाई ठीक है, छोटा सा कुछ एरिया है तो वहाँ पे कर देता है। फिर आता है दूसरा HDPE पाइप, जो बड़ी बड़ी कॉइल आती है ब्लैक कलर का, तो वो पाइप अच्छा रहता है, हेवी रहता है, उसका प्रेशर रेटिंग बहुत ज़्यादा रहता है, 6 kg 10 kg तक वो प्रेशर ले लेता है, लेकिन वो बहुत महंगा रहता है, आया समझ में? हाँ, वो बहुत महंगा रहता है। तो अगर कोई किसान भाई का ऐसा प्रावधान है कि यहाँ पे उनका कुआं है और यहाँ से कुछ उनकी खेती है दूर में और वहाँ तक पानी लेके जाना है, उनका बजट भी है और पाइपलाइन ऊपर से डालना है, तो वो HDPE पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि HDPE पाइप बहुत हेवी रहता है। कई बार कई वीडियो में या कई लोगों को आपने देखा होगा कि कोई लोहे का जो कुराड़ी वगैरह रहती है उससे उसको मारते तो भी कुछ नहीं होता है, तो वो हेवी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महंगा भी है। तो अगर कोई किसान भाई का मतलब ऐसा है कि नहीं सिर्फ यहाँ से वहाँ लेके जाना है, बीच में कुछ चेम्बर निकालना नहीं है, बीच में कुछ एयर वॉल लगवाना नहीं है, तो वो पाइप अच्छा है छोटे अंतर के लिए। लेकिन ज़्यादातर केसेस में किसान भाई PVC पाइप का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो सस्ता भी रहता है और मजबूत भी रहता है। और अगर आपने अच्छे कंपनी का PVC पाइप, अभी अपन भी PVC पाइप बनाते हैं, अब अगर कोई किसान मांग रहा है तो इन्फॉर्मेशन दे दो पाइप का, लेकिन फिर किसको बेच सकते आप पाइप कि जिनकी क्वांटिटी है, या आजू बाजू का किसान, मतलब कोई अभी हरियाणा से किसान कॉल कर रहा है और आपको बोल रहा है कि 10 पाइप चाहिए तो वो फिजिबल नहीं है, लेकिन वहीं पे अगर वो बोल रहा है मुझे 500 पाइप है 1000 पाइप है तो उनको पूरे का ट्रक करके लेके जाना। तो जो PVC पाइप रहता है ना वो अगर सही क्वालिटी का बना है, सही ब्रांड का है, अच्छे क्वालिटी का है और उसको ज़मीन में अगर डाल दिया तो 50 साल 70 साल देखना नहीं पड़ता है। कई ऐसी पाइपलाइन है, कई ऐसे किसान हैं, आज अपने कंपनी को भी 25 30 साल हो गए, पहली पाइपलाइन अजीब अभी भी किसान काम कर रहे हैं, क्योंकि ज़मीन में उसको कुछ नहीं होता है ना, जब तक उसके ऊपर कोई मैकेनिकल प्रेशर नहीं आता है तब तक वो फूटेगा नहीं। तो PVC पाइप का इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। PVC पाइप में 4 kg ISI पाइप का इस्तेमाल करना चाहिए, नॉन ISI पाइप के बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि नॉन ISI पाइप अच्छा नहीं रहता है, रह सकता है,
लेकिन उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं तो अपन बात नहीं करेंगे। तो पीवीसी पाइप में 4 केजी आता है, 6 केजी आता है, 8 केजी भी आता है, 10 केजी भी आता है। तो 4 केजी पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किसान भाई ने करना चाहिए और करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पे। तो 4 केजी मतलब क्या? अभी बहुत सारे आपके मन में भी दुविधा रहती है, किसानों के मन में भी दुविधा रहती है कि 4 केजी मतलब 4 किलो का पाइप आएगा, उसका वजन 4 किलो आएगा। फिर 2 इंची का 4 केजी का पाइप है तो उसका वजन 4 किलो, और 6 इंची का 4 केजी का पाइप लिया तो उसका वजन भी 4 ही किलो आएगा क्या? नहीं, इसका वजन के साथ कोई एक संबंध नहीं है। 4 केजी प्रेशर मतलब क्या कि पाइपलाइन के अंदर पानी का प्रेशर 4 केजी तक बढ़ा तो भी पाइप फूटना नहीं चाहिए। आया समझ में? तो वो वजन चेंज हो सकता है, 2 इंची का अलग आएगा, 2.5 इंची का वजन अलग आएगा, 3 इंची का अलग आएगा, 4 इंची का अलग आएगा। तो वो पाइप का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी कई बार क्या हो जाता है कि किसान भाई अच्छे कंपनी का पाइप तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उनका डिज़ाइनिंग गलत हो जाता है या जो जॉइनिंग किया है उन्होंने वो गलत हो जाता है। मार्केट में आज के टाइम में पीवीसी पाइप चिपकाने के बड़े पैमाने पे अगर डिवाइड किया जाए तो 2 प्रकार के सॉल्यूशन आते हैं, एक मतलब अच्छा क्वालिटी का और एक थोड़ा मीडियम क्वालिटी का। तो ये दोनों की इस्तेमाल होता है मार्केट में। क्यों होता है मालूम है क्या? कि जब कोई परमानेंट पाइपलाइन कर रहा है ना तो वो अच्छे क्वालिटी का सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई एक बार चिपका दिया ना, बात ख़त्म। एक बार चिपक गया बाद में वो कोई भी हालत में निकलेगा नहीं, कितनी भी कोशिश करो, कैसे भी कोशिश करो, वो निकलेगा नहीं। अगर आपको उसको खोलना है तो काटना ही है। तो बड़ी पाइपलाइन के लिए वो सॉल्यूशन का इस्तेमाल होता है। फिर दूसरे क्वालिटी का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए? तो जब मान लो कि कोई ड्रिप का सबलाइन कर रहा है तो उसको टेम्पररी चिपकाना है, वहाँ पे कोई प्रेशर भी आने वाला नहीं है और उसको बाद में उसको खोल फिटिंग भी कर देना है, तो वहाँ पे वो सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं कि हाँ भाई चिपका तो दिया है, वो निकल भी सकता है, बाद में जब काम होगा तब निकाल भी देंगे। लेकिन यहाँ पे अपन जब मेन पाइपलाइन की बात कर रहे तो अपन वो अच्छे क्वालिटी का सॉल्यूशन की ही बात करेंगे कि वही इस्तेमाल करना चाहिए, उससे अच्छे से पाइपलाइन उनकी हो जाती है। फिर पाइपलाइन तो कर दी, फिर कई बार डिज़ाइनिंग गलत हो जाती है। मतलब क्या? अभी पाइप के साइज़ के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले डिज़ाइन पे आ जाते हैं कि एक ठराविक अंतर के बाद किसानों ने वहाँ पे एयर वॉल लगवाना चाहिए, क्योंकि जब पानी आता है तो बीच में जो हवा रहती है ना उसको आगे ढकेलना पड़ता है, और जितना लंबा आप उसको ढकेलने की कोशिश करेंगे ना उतनी उसकी ताकत बढ़ती रहेगी। ये वैसे ही है जैसे आपको हमने बोला भाई हाथ ऊपर करके कुछ खड़ा रहो, फिर ऊपर हम एक एक वज़न रख रहे तो कुछ वज़न तो आप ले लेंगे, लेकिन उससे ऊपर वज़न जाएगा तो आपको तकलीफ़ हो जाएगी। तो क्या होता है, मान लो 1000 फीट की पाइपलाइन है और आपने मोटर चालू किया, अभी जब पानी आ रहा है तो वो धीरे धीरे हवा भी आगे सरका रहा है, और मान लो कि 300 फीट हो गया तो अभी हवा की क्वांटिटी भी बढ़ गई, क्योंकि जो हवा है ना उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी है कि उसको उस दिशा में बहना अच्छा नहीं लगता है, उसको बहना ऊपर के दिशा में रहता है, लेकिन ऊपर तो बंद है तो सामने के दिशा में बहना अच्छा नहीं लगता उसको, तो उसको पानी को फोर्स लगता है उतना। तो उसके वजह से आपके मोटर पे भी दबाव आता है, आपके पाइपलाइन में भी दबाव आता है, आपकी पाइपलाइन फूट सकती है। तो हर 1000 फीट के बाद एक एयर वॉल लगवाना चाहिए। एयर वॉल क्या करता है कि ऐसी हवा जब आती है तो उसको, जैसे मैंने बोला उसको ऊपर के दिशा में जाना पसंद है तो उसको ऊपर की दिशा में लगवाया रहता है, तो वहाँ से हवा निकाल देता है, जितनी हवा निकल जाती है उतना प्रेशर वहाँ पर डाउन हो जाता है। तो हर 1000 फीट के बाद एयर वॉल किसानों ने लगवाना चाहिए। एयर वॉल कैसे लगवाते हैं? सर्विस सेडर लगवाते हैं, उसको GI निप्पल लगवाते हैं और ऊपर एयर वाल लगवाना चाहिए। कभी भी एयर वाल ऊपर के दिशा में चाहिए, हो सके एयर वाल लगवाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हो सके तो एयर वाल पूरे सिस्टम के
ऊपर होना चाहिए पूरे सिस्टम के। मतलब आपकी बोरिंग थी, बोरिंग में से पानी ऊपर आया, आपने 3 फीट का नेपर ऊपर लगवाया था, मतलब जमीन से अभी आपका पानी कितना ऊपर आया, 3 फीट। ये आपको फिल्टर लगवाना था तो आपने उसको 3 फीट ऊपर ले लिया, फिर उसको फिल्टर लगवाया, अभी प्लास्टिक फिल्टर वो पाइपलाइन से आधा फीट भी ऊपर गया आ रहा है। बाकी जीआई फिल्टर वगैरह नीचे रहते हैं, लेकिन प्लास्टिक फिल्टर ऊपर रहते हैं, तो अभी हो गया पूरा 3.5 फीट। तो आपको आपका एयर वाल इससे ऊपर लगवाना है, इससे नीचे भी काम करेगा लेकिन सबसे अच्छा काम इससे ऊपर करेगा। अभी ये हो गई एक स्टडी। लेकिन यहाँ से मान लो कि आपका खेत ये पॉइंट से अगर 10 फुट ऊपर है तो आपको वो माप कंसीडर करना पड़ेगा कि आपको एयर वार 10.5 फुट या 11 फुट ऊपर लेना चाहिए। लेकिन कहीं जगह ये हो सकता है, लेकिन कहीं जगह ये नहीं हो पाता है, क्योंकि रास्ते से जाता रहता है, फिर इतना ऊपर अगर रखेगा तो कोई भी तोड़ डालेगा, प्रैक्टिकली चीज़ें भी देखना पड़ता है। तो ठीक है, नहीं हो सकता मत करो, लेकिन कम से कम आधा एक फीट भी तो पाइपलाइन से ऊपर करो। कहने का तरीका मेरा ये था, इंटेंशन, कि जितना ऊपर रखेंगे उतना अच्छा रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें भी देखना जरूरी रहता है। तो पाइपलाइन से ऊपर कम से कम आधा फीट एक फीट उसको लेना चाहिए। आया समझ में? तो एयर वार वैसा लगवाना चाहिए, अगर प्लेन प्लेन पाइपलाइन है तो हर 1000 फीट पे एक, कितने इंची लगवाना चाहिए ऐसा कोई ये नहीं है। आपका जो पाइपलाइन है उसके प्रपोर्शन में आप कर सकते हो, या वहाँ का जो जमीन का या पाइपलाइन का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपने यहाँ पे अगर 2 इंची नहीं लगवाया तो आपका बिल्कुल सिस्टम फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे ठीक है, 2 की जगह पौना का भी काम कर जाएगा, 1 भी काम कर जाएगा, लेकिन जितना आप आपके पाइपलाइन से प्रोपोर्शनेट रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। कि 2 इंची पाइपलाइन है तो कम से कम 1 इंची लगवा दीजिए, 2.5-3 के लिए 1.25 इंची 1.5 इंची लगवा दीजिए, 4-6 के लिए 2 इंची लगवा दीजिए, तो उतना, क्योंकि वहाँ पे एक गणित रहता है। समझ में आया? तो उस हिसाब से एयर वॉल का चुनाव आपको करना है। अभी क्या है कि ये तो हो गया प्लेन प्लेन पाइपलाइन के बारे में। एक एयर वॉल मोटर के पास जरूर लगवाना है। मतलब किसान भाइयों ने ऐसा पूछा कि भैया आपने तो 1000 फीट के लिए गणित बताया, लेकिन मेरा तो खेत में ही मोटर है तो मैंने नहीं लगवाया तो भी चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पानी नीचे से जब ऊपर आता है ना तो वो पाइपलाइन में हवा तो रहती है, या नहीं भी रही तो जितनी भी है उसको पूरा सीधा ऊपर लाने के लिए थोड़ी ताकत लगती है। तो मोटर के पास एक एयर वाल लगवाना जरूरी रहता है, इससे आपकी मोटर की लाइफ बढ़ जाती है, इससे आपकी जो पाइपलाइन है नीचे गई हुई उसकी लाइफ बढ़ जाती है। और बाद में अभी जब प्लेन प्लेन पाइपलाइन की बात की, मान लो कि अभी प्लेन प्लेन पाइपलाइन नहीं है, पाइपलाइन आई प्लेन लेकिन नीचे झुकी है, समझ में आया? कुछ है उधर वैसा कि उनको पाइपलाइन नीचे लेके जाना है, तो मैंने क्या बोला, हवा को नीचे जाना पसंद नहीं है। तो जहाँ से पाइपलाइन नीचे गई है ना वहाँ पे एक एयर वाल लगवाना कभी भी अच्छा रहेगा, कि भाई तुझे नहीं पसंद है नीचे जाना तू मत जा, निकल जा यहाँ से बाहर। समझ में आया? हाँ। अभी नीचे पाइपलाइन गई है, अभी नीचे समांतर गई है बात भी ठीक है, बाद में वापस ऊपर आ गई है, मान लो 200 फीट 400 फीट, जल्दी जल्दी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो अभी हो गया 600 फीट और अभी नीचे से वापस ऊपर आ रही है, तो अभी नीचे नहीं लगवाना है, अभी ऊपर के पॉइंट पे लगवाना है, क्योंकि उसकी तो नेचुरल टेंडेंसी ऊपर आने की, तो आ जाएगी। अभी अभी किसान भाई ऐसा आप अगर बोलेंगे ना तो उनके मन में एक सवाल आएगा कि भैया आपने मोटर के पास तो एक एयर वाल लगवाने का बोला है, फिर वहाँ पे तो आपने बोला है कि ऊपर तो नहीं जाएगी हवा, फिर उधर क्यों लगवाना? क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है
कि पानी जो आया नीचे से उसको आपने सीधा सीधा खोल दिया, ऐसा नहीं होता है। आप वहाँ पे बेंड लगवाएंगे, कुछ लगवाएंगे और पानी की या पाइपलाइन की डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो हवा तो ऊपर आने के लिए तैयार है लेकिन मुड़ने के लिए तैयार नहीं है। आया समझ में? तो आपको इसके लिए भी वहाँ लगवाना ज़रूरी रहता है। तो ये हो गया एयर वाल्व, सबको आया समझ, कोई दिक्कत? अभी एक महत्व का वाल्व रहता है पाइपलाइन में, नॉन रिटर्न वाल्व, NRV। तो नॉन रिटर्न वाल्व में क्या रहता है कि उसका मतलब ये कि भाई एक बाजू से पानी तो जाने दूंगा मैं, लेकिन दूसरे बाजू से आएंगे तो नहीं आने दूंगा। समझ में आया? एक बाजू से हम जाने तो देंगे, मान लो ये NRV है और हर NRV पे एरो रहता है, तो एरो के दिशा में पानी जा रहा है तो उसको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उधर से अगर पानी आएगा तो वो उसको अटका देगा। अटकाने का कई तरीके का रहता है, NRV झापड़ी वाला आता है, स्प्रिंग वाला आता है, बॉल वाला आता है। तो सबसे अच्छा NRV बॉल वाला रहता है, क्योंकि वो झापड़ी वगैरह ख़राब हो जाती है, या उसमें दिक्कत क्या आती है कि 2.5 इंची का NRV है तो उसके झापड़ी के वजह से उसका होल 2 इंची है, तो उधर डायमीटर कम हो जाता है। तो जो बॉल वाला NRV है, अभी हम लोग नॉर्मेस कंपनी का नॉन रिटर्न वॉल बेचते हैं, तो वो बॉल वाला क्या रहता है कि जब पानी आता है ना तो एक दिशा में सरक जाता है, तो पूरा 2 इंची का वॉल है तो 2 इंची का आउटलेट मिलता है, और जब रिवर्स पानी आता है तो वो जगह पे आ जाता है, इसके लिए रुक जाता है। तो नॉन रिटर्न वॉल का काम क्या है कि पानी को रिवर्स नहीं जाने देना है। आया समझ में? क्योंकि रिवर्स जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले तो मोटर के पास फुटवार लगवाया रहता है, फुटवार NRV एक जैसा ही काम करता है, सिर्फ फुटवार को एक बाजू में जाली रहती है कि जो पानी में गई रहती है, या नॉन रिटर्न वाल पाइपलाइन में लगवा भी सकते हो आप। पहले क्या था कि मोनोब्लॉक पंप आते थे तो नीचे फुटवार छोड़ते थे, अभी मोनोब्लॉक पंप आते नहीं तो नीचे फुटवार नहीं लगवाते हैं, लेकिन फुटवार भी नॉन रिटर्न सारखा ही काम करता है कि नीचे से पानी आने देगा लेकिन ऊपर का पानी नीचे नहीं जाने देगा। अभी जब पानबुड़ी या सबमर्सिबल का काम कर रहे लोग तो पाइपलाइन में एक NRV डालते हैं, अगर किसी की बोरिंग है तो नीचे तो NRV कभी कोई नहीं डालता है, लेकिन जब पानी ऊपर आएगा तो वहाँ पर NRV लगवाते हैं। तो NRV क्यों लगवाते हैं कि आपकी पाइपलाइन हमेशा पानी से भरी रहे, क्योंकि अगर वो खाली हो गई तो वापस जब मोटर चालू करेंगे ना तो उसको वापस पानी को ऊपर आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कई बार तो वो आता ही नहीं ऊपर। समझ में आया? तो NRV उसके लिए रखते हैं। पाइपलाइन में NRV का क्या महत्व है कि रिटर्न पानी नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि पाइपलाइन नीचे झुकी है तो पानी तो नीचे चला गया बराबर, और अभी ऊपर जा रही है, तो जब पानी ऊपर जा रहा है तो जब ऊपर चढ़ रहा है तो वो दबाव भी तो नीचे कर रहा है। या जैसे हवा का है कि जितना हवा आगे ढकरेंगे उतनी ताकत बढ़ेगी, वैसा पानी का भी है। तो NRV क्यों लगवा रहता है कि पानी रिटर्न नहीं आना चाहिए, तो NRV क्या करता है कि वहाँ पे उसका कनेक्शन तोड़ता है। अभी 400 फीट से पानी आ रहा है तो मोटर पर उतना दबाव जा रहा है, समझ में आया? लेकिन अभी NRV लगवाया है और एक बार मोटर ने अगर NRV के इधर पानी भेज दिया तो इसका जब पानी रिवर्स होगा तो ये दबाव सीधा मोटर पे नहीं जाएगा, ये NRV पे जाएगा, NRV वहाँ पे उसको रुका देगी। आया समझ में? तो वैक्यूम भी नहीं बनने देती है NRV पाइपलाइन में, हवा नहीं आने देती है, पानी बनाए रखती है, वैक्यूम नहीं बनाए बनते देती है, प्लस ये पाइपलाइन पे दबाव भी कम कर देती है, मोटर पे दबाव कम कर देती है, और कई बार NRV के वजह से पाइपलाइन में पानी इफिशियंसी से आगे बढ़ता है। तो NRV में और डिटेल में आगे बात करेंगे। तो इस तरीके से NRV लगवाना पड़ता है। NRV पाइपलाइन के कैसे लगवाना, एक तो मोटर के पास एक लगवा ही देना, मतलब रिटर्न पानी आएगा तो मोटर पर दबाव नहीं आएगा। बाद में जैसे क्वालिटी का आप NRV यूज़ कर रहे हैं तो 1000 फीट 1500 फीट पे एक आधा NRV लगवा ही देना, उससे पाइपलाइन की लाइफ बढ़ जाएगी। उसके बाद मान लो अभी आप जैसा मैंने बोला पाइपलाइन समांतर आ रही है फिर नीचे जा रही है, आया समझ में? अभी यहाँ पे NRV नहीं लगवाया चलेगा, लेकिन जब पाइपलाइन ऊपर चढ़ रही है ना तो अभी क्या हो रहा है कि ऊपर चढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रेशर आ रहा है,
तो वहाँ पे पाइपलाइन पे दबाव बढ़ेगा। तो वहाँ पे अगर एनआरवी लगवा दिया ना तो क्या हो जाएगा कि ये एनआरवी है, पानी आया एक बार इसके इधर गया और मान लो इधर का प्रेशर कम पड़ा मोटर के तुलना में, तो ये पानी रिटर्न जाने की कोशिश करेगा, एनआरवी उसको रुका देगा। फिर क्या होगा कि इधर का प्रेशर जब बढ़ेगा तो वो वापस एनआरवी उसको खोलेगा, फिर पानी आगे सरक जाएगा। तो जब चढ़ावे तो नीचे के दिशा में एनआरवी आपको लगवाना है। आया समझ में? तो एयर वाल हो गया, एनआरवी हो गया, और एक वाल आता है प्रेशर रिलीज वाल। ये एक तरीके का सेफ्टी वाल है। अगर अभी क्या होता है कि प्रेशर कुकर में आपने सबने देखा है प्रेशर कुकर, कभी कोशिश की क्या यार सीटी बहुत टाइम लगाती है, चार चार सीटी लेनी पड़ती है, तो कभी किया है कोशिश पैक करके कि नहीं यार ऊपर का पैक कर दो जल्दी हो जाएगा? या कहीं आपने अगर वो प्रेशर कुकर खोला होगा तो घर वालों ने बोला यार प्रेशर निकलने दे भाई, हुआ है क्या किसी के साथ हादसा? मेरे साथ तो हुआ है कि बिना प्रेशर उसको खोल डाला तो वो जो ऊपर की कैप थी वो ऊपर मिली छत पे, अंदर जो था वो सब बिखरा हुआ मिला था इधर उधर। तो ये क्यों होता है? प्रेशर के वजह से। तो वो जो प्रेशर कुकर की सीटी ना वो एक सेफ्टी वाल है। वो क्या करती है कि आपके प्रेशर कुकर में अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो उसको खोलती है, हवा निकाल देती है, स्टीम बाहर निकाल देती है, तो प्रेशर मेंटेन करती है। तो वैसी ही टेक्नोलॉजी पाइपलाइन में भी यूज करनी चाहिए कि एक प्रेशर रिलीज वाल लगवाना चाहिए, उसमें स्प्रिंग रहता है और स्प्रिंग को तय किया रहता है कि कितना प्रेशर बढ़ेगा तो ये खुलेगा। अभी नीचे से पाइपलाइन में से पानी जाते रहता है, अगर प्रेशर बढ़ा तो स्प्रिंग सिचुरा मतलब पास में आ जाता है तो उसके नीचे जो प्लेट लगी है ऊपर चली जाती है तो पानी बाईपास हो जाता है। समझ में आया? तो इसकी वजह से आपके पाइपलाइन का दबाव आप मेंटेन कर सकते हो। यह प्रेशर रिलीज वाल को प्रेशर कम ज़्यादा करने की सुविधा रहती है कि आपको अगर लग रहा है कि भाई ये ज़्यादा टाइट हो गया है स्प्रिंग कि ये खुलेगा ही नहीं, पाइपलाइन फूट जाएगी, तो उसको थोड़ा ढीला करो वो जल्दी खुलेगा। अगर जल्दी जल्दी खुल रहा है तो थोड़ा टाइट करो। तो ये प्रेशर रिलीज वाल किसानों ने अगर पाइपलाइन पे लगवाया तो क्या होगा कि उनकी पाइपलाइन फटने से बच जाएगी। अगर दो चार साल में भी एक बार किसान की पाइपलाइन फट गई तो किसान को कम से कम 5-6-10 हज़ार रुपये खर्चा आता है, तो उतने में तो ये 2-3 बैठ जाते हैं और हेडेक नहीं। और पाइपलाइन जितनी बार फूटेगी उतनी बार कमज़ोर होगी, तो अगर वो फूटी नहीं रही है तो मजबूत रहेगी। तो पीआरवी कहाँ पे लगवाना चाहिए? एक तो मोटर के पास, एक फिर वैसे ही 1000-1500-1200 फीट पे एक। आया समझ में? और अभी आखिरी कि ड्राइंग के हिसाब से कि पाइपलाइन समांतर चल रही है तो 1000-1200 फीट एक हो गया, लेकिन अभी पानी नीचे जा रहा है। आया समझ में? तो ऊपर लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं, पानी नीचे चला जाएगा, लेकिन जब ऊपर जा रहा है ना तो एनआरवी के बाजू में प्रेशर रिलीज वाल लगवाना चाहिए कि भाई गलती से अगर आपका प्रेशर बढ़ गया। 4 kg के पाइप के बारे में आपको बताया था कि 4 kg से अगर 4.5 kg पानी का प्रेशर चला गया तो आपकी पाइपलाइन फूटने वाली है। तो ये इसको आप 4 kg 3.8 kg पे सेट करके रखो कि ये पाइपलाइन फूटने के पहले यही प्रेशर बाहर निकाल देगा और आपको पाइपलाइन फटने से बच जाएगी। वहाँ पे पानी जब बाहर निकलेगा तो आपको एक सिग्नल मिलेगा, सिग्नल मतलब आपको जब देखेंगे तब पता चलेगा कि यहाँ पे पानी निकला है, मतलब कुछ भी तो गलती हो रही है। तो आपको चांस मिलेगा कि क्या है, कई बार क्या होता है कि आज का लोकमत पढ़ो, दिव्य मराठी पढ़ो, वो जलगांव कॉरपोरेशन ने पाइपलाइन की थी तो वहाँ पे बरगद का जो पेड़ रहता है उसका रूट मूड पाइपलाइन में चला गया होगा कहीं से, तो वो अंदर 8 फीट तक इतने मतलब पाइप के चौड़ाई का मिला। आया समझ में? तो उसको निकाला है उन्होंने। तो कई बार क्या होता है कि ऐसा कुछ हो जाता है, कई बार कुछ सांप वगैरह जैसे प्राणी है वो अंदर जाके फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, तो उसके वजह से भी पानी पाइपलाइन में प्रेशर बढ़ जाता है। या कई बार क्या होता है कि टाइम के हिसाब से पाइपलाइन कमज़ोर होती तो फूटना चालू हो जाती है। कई बार आजू बाजू के भाइयों से आप झगड़ा करते हो किसान भाई,
तो वो बदला ले लेते, रात को कॉक बंद कर देते तो इधर प्रेशर बढ़ जाता है, पाइपलाइन फूट जाती है, किसान भाई को परेशानी होती है। तो ये वीडियो के माध्यम से उनको भी अपन बताना चाहेंगे कि अगर कोई किसान भाई ऐसा कर रहा है तो मत करो, बाजू वाला भी अपना ही किसान भाई है। तो क्या होता है कि वैसे कुछ कारण है कि उसकी वजह से पाइपलाइन में प्रेशर बढ़ जाता है तो पाइपलाइन फूट जाती है। अगर आपने वहाँ पे पीआरवी लगवाया है ना तो आप इस प्रकार से बच सकते हो, तो पीआरवी का वहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस वीडियो में वॉल के ऊपर अपन ने बात कर दी, हो सकता है कि अगले वीडियो में कुछ मैं अगले सेक्शन में पाइप के ऊपर भी बात करूं, लेकिन अभी आपका भी टाइम ज़रूरी है, मेरा भी टाइम ज़रूरी है, तो यहीं पे अपन रुकते, अगले ट्रेनिंग सेक्शन में सब मिलेंगे वापस, ठीक है।